नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। Here is another similar case in the Supreme Court. It's also about section 295. अरे गोपी, मिस, कॉपी दिस पैराग्राफ, पेज 195. ओके। आओ, बैठो। जी शुक्रिया। मैं समझा था कि तुम शायद नहीं आओगे। आता कैसे नहीं? आपने बुलाया जो था। वैसे आप ना भी बुलवाते फिर भी जरूर। क्यों? आपके रुपए लौटाने के लिए जो आपने अदालत में मेरे लिए जमा किया। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत आपको नहीं, मुझको है। जज साहब, आपने जुर्माना देकर यह साबित कर दिया कि आप मुझे मुजरिम समझते। नहीं गोपी, अदालत भले ही तुम्हें मुजरिम समझे, लेकिन मैं तुम्हें बेगुनाह समझता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें जेल जाने से बचा लिया। अजीब बात है, आप बेगुनाहों की मदद कब से करने लगे? आप तो गुनहगारों को बचाया करते थे। वक्त वक्त की बात है गोपी, उस वक्त मैं वकील था, आज जज हूं। मुझे मालूम नहीं था कि जज बनने के बाद पत्थर भी मोम हो जाता है। गोपी, कल मैं वकील था, और वकील का फर्ज है कि वो अपनी काबिलियत से अपने मुवक्किल को बचा ले, चाहे वो गुनहगार हो या बेगुनाह। लेकिन एक जज ऐसा नहीं कर सकता, वो तो इंसाफ की हिफाजत करने वाला होता है। जज साहब, कल वकील भी आप ही थे, आज जज भी आप ही, क्या फर्क पड़ता है? जो बात आपको कल पसंद थी आज भी हो सकती है। नहीं गोपी, ऐसा मुमकिन नहीं, जज अपनी पसंद से कोई काम नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई पत्थर, जब तक सड़क पर पड़ा है पत्थर ही है, लेकिन जब इस पत्थर को तराश कर किसी मंदिर में रख देते हैं तो लोग उसे भगवान कहना शुरू कर देते हैं। बस यही फर्क एक वकील और जज में है। मुझे खुशी है जज साहब कि आपने अपने ख्याल बदल दिए। मुझे यह खुशी है कि तुम मेरी बात इतनी जल्दी समझ गए। अरे हाँ, उस दिन वो जो औरत अदालत में तुम्हारी गवाही देने आई थी, वो तुम्हारी कौन है? वो पार्वती माँ, वो मेरी कोई नहीं है, हमारे रिक्शा स्टैंड पे खाना बेचती है, बड़ी दुखियारी है बेचारी। और वो लड़की जिसकी वजह से तुम्हारा झगड़ा हुआ था, उसका पार्वती से क्या रिश्ता है? मेरे ख्याल से दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, पर एक चीज है जज साहब, जिस दिन वो लड़की मुझे मिली मैं उसे पकड़ के सीधा आपके सामने ले आऊंगा, ताकि मैं अपनी बेगुनाही आपके सामने साबित कर सकूं। अच्छा जज साहब, मैं चलता हूं। फायर, मेरा मतलब है लगा दूंगा। कबीरा 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 कबीरा, अरे पार्वती कहाँ रहती है? क्या? परी। कहाँ की? आसमान की। जमीन पर मिलती है? हाँ मिलती है। तो मैं उड़ जाऊँ साथ इसके? चाचा चाचा चाचा, उसके लिए तुम्हें बाल काले करने पड़ेंगे। करूँगा। और जान भी देनी पड़ेगी। दूंगा। तुम्हारी बेटी बुढ़ापे की हड्डी है, कहीं मार तो नहीं पड़ेगी? अरे चाचा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके चलूंगा कि पहले ठंडे पानी से नहलाएंगे और फिर गर्म पानी से नहलाएंगे, फिर ठंडे पानी से नहलाएंगे, फिर गर्म पानी से नहलाएंगे, और उसके बाद तौलिए से आंग पोछेंगे, पसीना छोड़ने की दो गोलियां देंगे, और उसके बाद अंधेरे में लेटा देंगे। अरे बेटा, लेटा क्यों देंगे? इसलिए कि बुढ़ा जवान हो जाए और जवान जवान मर्द हो जाए, और फिर उसके बाद वो शेर के मुंह में हाथ दे दे। चल बेटा, चल चल, मुझे वहां ले चल। लेके चलता हूँ चाचा, लेके चलता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा नावा ढीला करो। नावा? अरे बेटा, आज तो उधारी कर ले। उधारी कर ले? हाँ बेटा। चाचा, जिधर से आए थे ना उधर ही चले जाओ। उधर जा रहा हूँ। अरे उधर नहीं चाचा, इधर जा, इधर। अरे बेटा, अरे मैं तो पार्वती के घर पूछने आया था, वो कहाँ रहती है? जज साहब ने उसे बुलाया है। तो चाचा चले जाओ नाक के शेर से, शास्त्री नगर फूल वाली गली के दाएं तरफ। दाएं तरफ नाक के शेर पे, ये चला। गिराक भी मिला, वो भी करका। हाय डार्लिंग, हाय डार्लिंग। पार्वती, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलवाया है? क्यों, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? जी? पहचाना कैसे नहीं, मैंने आपको अदालत में देखा था, एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए, शायद वो इंसाफ की कुर्सी थी। लेकिन अदालत में मुझे देखकर तुम किस सोच में पड़ गई? आपकी सूरत को जानी पहचानी से लगती। पार्वती, मैं कैलाश, शांति का पति। शांति? हाँ हाँ, शांति। तुम शांति को नहीं जानती? शांति? हाँ जानती हूँ, मगर उस शांति को जिसको उसके पति ने मार डाला था। मगर वो पति आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो जज हैं, और जज तो कानून का रखवाला होता है, वो अपने पति का खून कैसे कर सकता है? पार्वती, मैंने
मैंने शांति का खून नहीं किया। ये मैंने आपसे कब कहा कि आपने शांति का खून किया है? मगर जिस शांति को मैं जानती हूँ उसका खून उसके पति ने किया है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर शक था। शक जरूर था मुझे पार्वती, लेकिन खून मैंने नहीं किया। मरते वक्त शांति ने खुद मुझसे कहा था कि उसका खून उसके पति ने किया है। नहीं पार्वती नहीं, खून किसी और ने किया था और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। पार्वती, शांति तो मुझसे छीनी गई, लेकिन मेरी बच्ची कहाँ है? आपकी बच्ची? ये अचानक बच्ची कैसे याद आ गई? क्या आपने उसे उसकी माँ के साथ परलोक नहीं भेजा? नहीं, वो जिंदा है। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि वो जिंदा है? मेरा दिल कहता है। समझी, शायद आप उसे भी उसकी माँ के पास परलोक भेजना चाहते हैं, क्योंकि आपकी नजर में तो वो शांति के पाप की निशानी है ना? नहीं नहीं पार्वती नहीं, मेरा सीना चीर कर देखो तुम्हें उसमें एक मरा हुआ दिल मिलेगा। तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैं शांति की चिता के साथ जल जाना चाहता था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि शांति की प्यार भरी निशानी मेरी बच्ची जिंदा है, तो उसे एक बार देखने के लिए मैं माँ से भागा भागा फिर रहा हूं, ताकि एक बार उससे मिल लूं और माफी मांग लूं। पार्वती, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारा तो फिर भी मैं तुमसे भीख मांगता हूं। अगर तुम्हें मालूम है कि मेरी बच्ची कहाँ है तो एक बार मुझे उससे मिला दो, एक बार मुझे उससे मिला दो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ पता नहीं कि आपकी बच्ची कहाँ है, किधर है, किसके पास है, किस हाल में है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं। शांति, अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी बच्ची का बाप मुझसे पूछ रहा है कि मेरी बच्ची कहाँ है। भगवान ही जाने उसे अपनाना चाहता है या जान से मार डालना चाहता है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। शांति, क्या मैं सच बोल दूं? किसी से नहीं बोलना भाभी, किसी से नहीं बोलना। लेकिन तुम पे गोली कैसे चलाई? मेरे पति ने। मगर क्यों? मैं मनोहर भैया से बात कर रही थी, उनको मुझ पर शक हो गया कि मनोहर भैया के साथ मेरा कुछ। भाभी, जो होना था सो हो गया, लेकिन मुझे वचन दो भाभी कि अभागिन बच्ची को तो अपनी बच्ची समझकर पालोगी, नहीं तो वो इसको भी मार डालेंगे, क्योंकि वो मेरे पाप की निशानी समझते हैं। मुझे वचन दो भाभी, मुझे वचन दो। हाँ हाँ शांति, हाँ शांति, शांति, शांति। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस बच्ची पे कभी आंच नहीं आने दूंगी, कभी आंच नहीं आने दूंगी। मनोहर, तुम बाहर ही रहना, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। माइकल, तुम मेरे साथ आना। तुमने किसी औरत को देखा है बच्चे के साथ? औरत और बच्चा, यहाँ तो कोई औरत नहीं आई। और ये बच्चा किसका है? ये तो मेरी बच्ची है। हैं? तुम्हारी बच्ची है? अरे भाई मनोहर, तुम्हारी बीवी तो कह रही है कि ये तुम्हारी बच्ची है और तुम 2-3 साल से जेल में, मेरा मतलब। ये तुम्हारी बच्ची है? मैं पूछता हूँ, ये तुम्हारी बच्ची है? पार्टी क्यों नहीं? हाँ हाँ, ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। ये कैसे हो सकता है? 2 साल से मैं जेल में था। बोल, कोई स्टाफ कमीनी कमीनी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। दे मुझे हराम की आवाज। नहीं नहीं, आप इसे कुछ मत कहिए, ये बात आप कुछ नहीं समझेंगे। मैं साफ समझता हूँ, दे मुझे हराम की आवाज। कानून से कब तक भागते रहोगे? चलो चलो। पार्वती, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया,
मैं इसका बदला लेके रहूंगा। पार्वती क्या सोच रही है? ये घर छोड़ के भाग जा, भाग जा, नहीं तो वो तुझे और इस बच्ची को जान से मार डालेगा। भाग जा, भाग जा। कन्हैया, ये तूने मुझे कैसे उलझन में डाल दिया? मैं इस बच्ची को बचाने के लिए सारी दुनिया से झूठ बोलती रही, उसे दूर भागती रही, मगर मगर कब तक, कब तक? भगवान, भगवान, मैं तेरी शरण में आई हूँ, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। भगवान, मुझे भी तो देव की माँ ने जन्म दिया था और यशोदा माँ ने पाला था। मैं भी यशोदा माँ हूँ, मैं भी यशोदा माँ हूँ। मुझे शक्ति दे भगवान, भगवान मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। ये कमबख्त रिक्शे वाला गोपी और उसके साथी है ना, ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं। अब लेटेस्ट न्यूज ये है बहनोई साहब कि ये मेरे खिलाफ अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट में। अजय मदन बाबू, पागलों से भरी है ये दुनिया। इस दुनिया में आप जैसे अकलमंद और 420 मेरा मतलब है बुद्धिमान कम है और गोपी जैसे पागल बहुत है। बचाओ! ओ चोकरे! ए! ए चोकरी! बचाओ! बचाओ! ये देखिए, ये रिक्शा वाला मेरा पीछा कर रहा है। रिक्शा वाला? हाँ। अरे हाँ, ये तो गोपी है। नमस्ते जी। क्या बात है गोपी जी? मैंने कहा था वो लड़की को लाऊंगा, यही है वो लड़की। पूछे तो इसे क्या हुआ था? आओ मेरे साथ। बहनोई साहब माफ कीजिएगा, मैं फिर किसी वक्त आऊंगा। आई आई सर। आओ। मेरे ख्याल में उस दिन कॉलेज में। जी हाँ, मैं किरण। अच्छा, आओ। लेकिन किरण, उस दिन तुमने ऐसा कैसे किया? जी? ये बेचारा तुम्हारे लिए गुंडों के साथ पड़ा और ऊपर से इसे सजा भी भुगतनी पड़ी। क्या मेरी वजह से इन्हें सजा भी भुगतनी पड़ी? मुझे माफ कर दीजिए। माफी उससे मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी। इट्स परफेक्टली ऑलराइट, आई जस्ट डिड माय ड्यूटी। शायद इन्होंने ही कहा टू डू वंस ड्यूटी इज द रियल ह्यूमन ब्यूटी। इंसान वही होता है जो औरों के लिए जिए। किसी ने क्या खूब कहा, Life is a matter of give and take, but the nobler is the one who gives rather than takes. You get it? ये आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी? आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? अजी मैं बोल नहीं, लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और पढ़ा भी सकता हूँ। आपके क्वालिफिकेशन? बी ए ऑनर्स। बी ए ऑनर्स? इतना पढ़ने लिखने के बाद आप रिक्शा चलाते हैं? डिग्री? वाह मैडम वाह, क्या बात की आपने, हाथ जोड़ के नमस्कार करने को जी चाहता है। अजी मेहन साहब, कोई काम छोटा नहीं होता, जो लोग खून पसीने से कमाते हैं वही बड़े होते हैं। देवी जी, अगर इंसान की मेहनत मजदूरी का शौक और पढ़ाई लिखाई साथ साथ चलने लगे, मालूम है क्या होता है? तो क्या होता है? देश में कोई भूखा नहीं रहता, और जिस देश में कोई भूखा नहीं रहता वो देश महान होता है। क्यों, ठीक है ना? देखा बेटी, कितने ऊंचे आदर्श हैं इस बच्चे के, लेकिन तुम्हारे उस दिन कोर्ट में न आने की वजह से इस बेचारे को कितनी जिल्लत उठानी पड़ी। ओ, बात कोर्ट तक पहुंच गई, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन अगर मालूम भी होता तो शायद मैं कोर्ट तक ना जाती। क्यों? क्योंकि वहां के पूछे जाने वाले सवालों का जवाब मैं शायद ना दे सकती, कि मैं कौन हूं, मेरा खानदान क्या है, मेरे माँ बाप कौन है। तुम अपने माँ बाप को नहीं जानती? जी, माँ को जानती हूँ, बाप को नहीं। क्यों, बाप को क्यों नहीं जानती? क्योंकि वो बाप कहलाने के काबिल नहीं, वो इंसान के रूप में हैवान है। जो जुल्म उसने मेरी माँ पर किए, उन्हें देखते हुए मुझे दुनिया के हर मर्द से नफरत हो गई है। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई बीमारी है क्या आपको? बीमारी ही समझ लो, जब किसी का दुख सुनता हूँ तो अक्सर ऐसा ही हो जाता है। I'm all right. अच्छा अच्छा, आप आराम कीजिए, हम लोग चलते हैं। चलो किरण जी, इधर आओ। क्या बताया तुमने अपने पिताजी का नाम?
जी मैं उस पापी का नाम नहीं जानती। तुम्हारी माताजी का नाम? जी मेरी माताजी का नाम मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अनाथ? नहीं नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते। आज से तुम इस घर को अपना ही समझो। जब दिल जरा उदास हो तो यहाँ चली आना। अब मैं चलूं? God bless you. अरे बाबू जरा इस गाड़ी में चढ़कर तो देखो, हल्की सवारी का रुपया भारी का सवा। बोलो कहाँ जाना है, लाल बत्ती के चार रास्ता, बोलो बोलो। वाह हमारी दिल्ली हमीजे में आप, अचानक तुझे क्या हो गया? अंदर तो ठीक थी, धतूरा खा के तो नहीं आई है? अरे बाबू बैठने तो बैठो, नहीं तो चलते बनो, हमारी दूसरी सवारी आने का टाइम लग गया। ए, तेरा दिमाग तो ठिकाने, ये सब क्या कर रही है? रिक्शा चला रही हूँ। अरे जाने मन रिक्शा चला रही हो तो शौक से चलाओ, लेकिन कम से कम हमारे दिल पे छुरियां तो ना चलाओ। तुम्हारे जान की कसम, अगर आसपास के लोग जागे नहीं होते तो इस अदा पे तुम्हें सीने से लगा लेता। तुम्हारा मतलब है मैं रिक्शा नहीं चला सकती? अरे जरूर चला सकती हो तुम, रिक्शा क्या, तुम तो हाथी भी चला सकती हो। लेकिन मैडम तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां रिक्शा चलाने लगी तो भंडार का क्या होगा, इस गरीब की रिक्शा में कौन बैठेगा? कोई बैठे या ना बैठे, मैं तो जरूर बैठूंगी। जब तुम इतना पढ़ लिख कर रिक्शा चला सकते हो तो मैं क्यों नहीं। अच्छा तुम्हारे आदर्श मेरे आदर्श। अरे वाह आज तो खूब जीप चल रही है खटाखट कैंची की तरह है। अरे मैम साहब मेरे आदर्शों को अपनाना है तो किसी और मामले में, मेरे धंधे में नहीं, समझे? अरे ये क्या है? ये एक बारात है। ये बारात क्या होती है? शादी। शादी? ये शादी क्या होती है? एक लड़के और एक लड़की का बंधन। ये बंधन क्या होता है? ओहो, तुमने कोई मुझे खलीफा समझ रखा है जो हर बात का जवाब दूं? जब वक्त आएगा ना समझ जाओगी। कैसे? देखो मैडम मेरे रिक्शे का एक ही चमत्कार है, जो लड़की इसमें बैठी फटन उसकी शादी। सच? अब तो समझी शादी के बाद क्या होता है? मैं बताऊं? दुल्हन स्वर्ग का रूप लिए फूलों की गठड़ी बनी बैठी होती है। फिर दुल्हा कुछ उलझा उलझा सा कुछ सोचता उसके पास आ बैठता है। फिर दुल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ता है, दुल्हन सिमट सी जाती है, चूड़ियों की आवाज से दोनों के दिल की धड़कनें मंदिर की घंटियों की तरह बज उठती है। दुल्हा हिम्मत करता है, फिर दुल्हा दुल्हन के इतने नजदीक पहुंच जाता है फिर कि एक दूसरे की सांसों की महक से दोनों दीवाने हो जाते हैं। दोनों का दिल जोर जोर से उछलने लगता है और दोनों एक दूसरे में डूब जाने को मचल उठते हैं।